सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुरूर मत करना, जो आज तेरे पास है वह कल दूर भी हो सकता है, और जिसको तू पत्थर समझता है वो कोई नूर भी हो सकता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़ देते हैं। आज का पंचांग 13 दिसंबर 2020 देर रविवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि, रात्रि 12:44 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 1:40 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:19 से 5:38 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी वृश्चिक राशि पर ही रहेंगे। सिंह राशि 13 दिसंबर 2020 दिन रविवार, ज्ञान को बढ़ाने और अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के अवसर मिलने से आप उत्साहित हैं। एक सलाहकार की तलाश करें जो आपको सही गलत के बारे में बता सकते हैं। राजनीतिक संबंध आपको अच्छे भाग्य की तरफ ले जाएंगे। इस समय की मांग यह है कि आप धैर्य से लोगों की बातें सुने और समझें। किसी छोटी सी गलती से आप भविष्य के सभी लाभों को खो सकते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत फायदों की तुलना में अपने प्रियजनों का ख्याल रखना रहेगा। जो लोग कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंच सकते हैं। संतोषजनक समय चल रहा है, जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम निपटाने का प्रयास करें तथा अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। कुछ राजनीतिक लोगों से मेल मुलाकात बेहतरीन साबित होगी। यदि आप नई प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा जोड़ना शुरू करना होगा। आपके द्वारा दी गई लोन की अर्जी को नकारा जा सकता है, लेकिन पैसों से जुड़ी मदद आपको परिवार और मित्रों के द्वारा प्राप्त होगी। पैसों से जुड़ी चिंता बढ़ने की वजह से आपको किसी भी बात पर आज पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। आर्थिक आवक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। रिलेशनशिप के प्रति हो रही लापरवाही आपके लिए भविष्य में तकलीफदायक होगी। सिर दर्द की तकलीफ रहेगी। सावधानियां यह भी ध्यान रखें कि अधिक सोच विचार करने में कुछ परिणाम हाथ से निकल सकते हैं। स्वभाव में घमंड और अति आत्मविश्वास जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ना आने दें। इस समय सेविंग में भी कमी रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके मुश्किल समय में जीवन साथी का सहयोग आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगा। सिर्फ अपने गुस्से व आवेश पर कंट्रोल रखना आवश्यक है। अपने साथी से विवाद या मतभेद की स्थिति में आपकी माता आपके लिए क्यूपिड का काम करेगी। साथी के भाई बहन के साथ आप एक अलग बॉन्ड महसूस करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो सपनों की रानी या राजा से मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। घर के संकट दुर्घटना आदि से सावधान रहें। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से सुने और शांत रहें। आप अपने प्रेम के लिए निजी कामों को स्थगित कर देंगे। आज के दिन को रंगों से भरने के लिए इस रोमांटिक फिल्म का कार्यक्रम बन सकता है। बस अपनी भावनाओं को काबू में रखें। अपने दिल की बातों को व्यक्त करने में
अधिक समय ना लें। बात करते हैं करियर की। आपके कार्यस्थल में विदेशी व्यापार या यात्रा की संभावना है और आप कुछ रोचक लोगों से भी मिल सकते हैं। अपने अधिकारी व मालिक को प्रभावित करके आप अपने नौकरी उम्मीद चार चांद लगा सकते हैं। अपने व्यापार नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए साहसी, समझदार और दृढ़ बने। जीवन में कार्य और अच्छे परिणाम आपके परिश्रम व ज्ञान का नतीजा है, तो आज के दिन आगे बढ़ने का है। अपनी महत्वाकांक्षाओं व अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपनी कंपनी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इंटरनेट का सहारा आप ले सकते हैं। सब कुछ भूलकर वही करें जो आपकी इच्छा है। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा खाने की वजह से आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगी, परंतु व्यायाम करना ना भूलें, इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आलसपन के शिकार ना बने और स्नैक्स ना लें। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।